हेलो दोस्तों, मैं कुसुम। स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज हम बनाएंगे आम का अचार। अचार बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके से आम का अचार। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 केजी आम लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर के साफ़ कर लिया और साफ़ कपड़े से पोंछ करके इसके पानी को सुखा लिया और थोड़ी देर हवा में छोड़ दें ताकि नमी बिल्कुल ना रहे। अब इसे इस तरह से छोटी पीस में कट कर लें और इसके बीच वाले बीज को निकाल दें। ध्यान रखें कि पानी की मात्रा बिल्कुल ना हो, नहीं तो आम का अचार ख़राब हो जाएगा। और अचार डालने के लिए मैंने मिट्टी का पॉट यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे प्लास्टिक का पॉट या फिर कांच का पॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टील के पॉट में डालेंगे तो उसमें होल हो जाएगा। इसमें हम मसालों को डालेंगे इस टेबल स्पून से, और इसमें डालेंगे हम 4 बड़ा चम्मच नमक। नमक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, अगर नमक कम होगा तो भी अचार आपका ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। एक बड़ा चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच काला जीरा यानी मंगरेला, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच सौंफ। और 4 बड़ा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर अचार आपको बहुत ज़्यादा तीखा करना है तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी का अचार से बैर है तो ध्यान रखें कि आप जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, वो ड्राई हो। अब इसमें हम थोड़ा सा सोनापन डालने के लिए कुछ सूखे मसालों को रोस्ट करेंगे। तो हम 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच मेथी के दाने और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच मंगरेला, इन सबको सोनी खुशबू आने तक हम रोस्ट करेंगे। ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का ही रोस्ट करना है। ये रोस्ट हो चुका है, अब गैस को ऑफ कर और इसे ठंडा करके हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। हम 1/2 लीटर मस्टर्ड ऑयल को गर्म करेंगे अचार में डालने के लिए, और इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून हींग। हींग से अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब तक कि ऑयल से धुआं ना निकलने लगे हमें गर्म करना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब गैस को ऑफ कर दें और इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। गर्म ऑयल को हमें अचार में नहीं डालना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे अचार में डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप मस्टर्ड सीड लिया है, काले वाली जो राई होती है छोटी वाली वो है। इसे पहले अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लें, उसके बाद इसे ही हम यूज़ करेंगे। अब इसका हमें पाउडर तैयार करना है। ये ग्राम से 120 ग्राम है, देखिए इसका पाउडर इस तरह से बारीक होना चाहिए। इस पाउडर को अचार में डाल दें। रोस्टेड मसालों का पाउडर तैयार किया है, देखिए हल्का सा मोटा है ये। इन सभी मसालों को डाल दें। इससे अचार में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम ऑयल को डालेंगे, ये ठंडा हो चुका है। पहले थोड़ा सा ऑयल डाल करके हम अचार को मिक्स करेंगे। अब बचे हुए ऑयल को इसमें डाल देंगे। इसे
स्पून से नहीं मिक्स होगा, हमें हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। इसे अच्छी तरह से मिला लें ताकि सारे आम के मसालों का और ऑयल का अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। इसमें हल्दी थोड़ा कम लग रहा है तो हम 2 बड़ा चम्मच और हल्दी डालेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम हो सकता है तो आप अचार के मसाले को थोड़ा सा टेस्ट कर लें, और नमक कम लगे तो नमक भी मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम साफ कपड़े से बांध देंगे ताकि इस पर कोई डस्ट ना पड़े, और इसे हम धूप में रखेंगे। आप घर में भी रख सकते हैं, मगर धूप में रखने से अचार जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसे धूप में रखने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर धूप में रखें। कवर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये अचार मैंने 4 दिन तक धूप में रखा था। इसका ऑयल देखिए ऊपर आ गया है। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है। अगर आपको ऑयल कम लगे या फिर ज़्यादा डालने की इच्छा हो तो आप ऑयल को और गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। अगर किसी भी कारण से आप अचार को धूप में नहीं डाल सकते हैं तो फिर परेशान ना हो, थोड़ा टाइम लगेगा इसे पकने में, मगर अचार तैयार हो जाएगा। जिस भी जार में आप अचार को रखें उसे अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लें और पूरी तरह से सुखा लें, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा आम का अचार तैयार है। तो आम के अचार को बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।